आप देख रहे हैं टीएनबी। नमस्कार, टीएनबी में आपका स्वागत है। दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच के एसटीएफ के हाथ एक बड़ा ही कुख्यात अपराधी लगा है। एक तरह से कह सकते हैं कि दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच के हाथ जो है एक बड़ी सफलता लगी है। और ये अपराधी जो है ये हाशिम बाबा गैंग के अपराधी है। वही हाशिम बाबा जो तिहाड़ जेल में इस वक्त बंद है, लेकिन उनके इशारे पे बाहर उनके जो शागिर्द हैं शाहरुख, वो काम कर रहे हैं। और उसी गैंग का एक बहुत ही आप कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट मेंबर है, जिसका नाम डैनी उर्फ गोविंद ठाकुर है, तो उसको अब गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि डैनी के ऊपर 1,00,000 रुपये का इनाम था। और ये डैनी जो है एक तरह से दाहिना हाथ हाशिम बाबा का माना जा रहा था। और ऐसे में हाशिम बाबा गैंग का ये एक बहुत चर्चित एक मेंबर था, जो अभी पुलिस के हाथ चढ़ चुका है। आपको बता दें कि क्राइम ब्रांच के जो ऑफिसर हैं उन्होंने ये बताया है कि जो क्राइम ब्रांच है वो पिछले 2 महीने से हाशिम बाबा गैंग के उत्तराधिकारी यानी शाहरुख को ढूंढ रही थी। और उसी दौरान उनको इस गैंग के एक और जो आप कह सकते हैं कि बहुत चर्चित है इंसान, जिसका नाम डैनी हमने बता रहे हैं आपको, डैनी के बारे में पता लगाया गया। उसके बाद पुलिस ने उसे धर दबोचा। आपको बता दें कि शाहरुख और डैनी ने मिलकर दिल्ली के कई अलग अलग इलाकों में कई सारे हत्या के वारदातों को अंजाम दिया है। और यही नहीं, इनकी दहशत इतनी ज़्यादा फैली हुई थी कि लोग इनके नाम से डर से कांपने लगते थे। आपको बता दें कि दिल्ली के अम्बेडकर नगर में 2 गैंगस्टर का गुट रहता है, एक हाशिम बाबा के गैंग थे और दूसरा रवि का गैंग था। और इन दोनों के बीच में काफ़ी बड़ी एक दुश्मनी देखने को मिलती थी, जिसमें कई बार जो है ये कई सारे वारदात को अंजाम देते हुए नजर आते थे। कभी हाशिम बाबा गैंग के लोग रवि गैंग के लोगों को मार दिया करते थे, तो रवि गैंग के लोगों ने भी मई के महीने में ही हाशिम बाबा गैंग के 2 लोगों को मार गिराया था। यही नहीं, आपको बता दें कि कड़कड़डूमा वाला जो एरिया है वहाँ पर कोर्ट के परिसर के अंदर ही शाहरुख और डैनी ने मिलकर एक व्यक्ति की हत्या कर दी थी। और उसके बाद से उनकी तलाश की जा रही थी। और आपको बता दें कि शाहरुख के ऊपर 2 लाख का तो डैनी के ऊपर 1 लाख का इनाम रखा गया था। और क्राइम ब्रांच जो है जोरों शोरों से इनको पकड़ने के लिए अपने सारे पैंतरे आजमाते हुए नजर आ रही थी। जिसके बाद एक छापेमारी के दौरान हाशिम बाबा गैंग के डैनी उर्फ गोविंद ठाकुर को पकड़ लिया गया है। और शाहरुख की पकड़ने की जो आप कह सकते हैं छापेमारी की जा रही है, उसे पकड़ने के लिए पूरी फोर्स जो है अपने तरह से पूरी कोशिश करती हुई नजर आ रही है कि जितनी जल्दी हो सके हाशिम बाबा गैंग के उत्तराधिकारी शाहरुख को पकड़ा जा सके। इसके साथ ही आपको बता दें कि 2020 से लेकर 2021 तक इन्होंने 4 सनसनीखेज हत्याओं को अंजाम दिया है, जिसमें शाहरुख जो है वो मेन कल्प्रिट बताया जा रहा है, जो तिहाड़ जेल में बंद हाशिम बाबा के इशारे पर नाचता हुआ नजर आ रहा है। और हाशिम बाबा गैंग के उत्तराधिकारी के तौर पर भी उसे देखा जा रहा है। और ऐसे में हाशिम बाबा गैंग जो कि खतरनाक गैंगस्टर गैंगों में से एक माना जाता है, जिसने दिल्ली में दहशत फैला कर रखी है, उस गैंग के उत्तराधिकारी को पकड़ने की पूरी कोशिश में जुट गई है। इसी के साथ आपको बता दें कि पुलिस अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हुई नजर आ रही है, और इसमें सीबीआई की मदद करते हुए भी नजर आ रही है। और ऐसे में आने वाले वक्त में हमें पता चल जाएगा कि आखिर पुलिस कितनी कामयाब जो है हो पाती है, सीबीआई जो है कितनी कामयाब हो पाती है हाशिम बाबा गैंग के उत्तराधिकारी को पकड़ने में। तब तक के लिए देश और दुनिया से जुड़ी अपडेट्स के लिए टीएनबी के साथ बने रहें। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की और ताज़ा अपडेट्स के लिए लॉगिन करें www.thenationalbulletin.in।